हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स मोस्ट अवेटेड चैप्टर, जिसके लिए हर क्लास में यही पूछा जा रहा था मैम कब से शुरू होगी ऑप्टिक्स। देखो चैप्टर अच्छा है, ये समझने वाला है, तो इस पे ना थोड़ा सा टाइम अपना इन्वेस्ट करना, तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी पूरा का पूरा जितना हो पाए उतने तो मैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कराऊं। ठीक स्क्रीन शो हो गई। यस मैम, यस मैम, यस मैम। रेडी हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, साथ ही साथ तुम्हें डायग्राम, रे डायग्राम बनाने हैं। आज हम लोग प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे। प्लेन मिरर को 2 या 3 लेक्चर रिक्वायर्ड है, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स। मैं ये वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे मुझे पता है तुम लोग पहले ये चैप्टर पढ़ चुके हो, क्लास 9 10 में बहुत पढ़ा है ना, स्फेरिकल मिरर्स तक भी पढ़े हैं तुम लोगों ने। मैम मेरे को नहीं आता, यही मैम वीक है इसको मेरा, रिवाइज करा दो। रिवाइज ये तो मैं वीक है मेरा। कराऊंगी एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे चैप्टर, टेंशन मत लो। अगर नहीं भी कुछ याद है तो डोंट वरी, कभी घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, ये तुम्हारी जो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम क्या, इसमें ऑप्टिक्स भी 2 तरीके की है, एक है तुम्हारी रे ऑप्टिक्स और दूसरी वेव ऑप्टिक्स, है ना। अब देखो इसमें क्या है, रे ऑप्टिक्स में क्या देखेंगे कि लाइट के ऐसे फिनोमिना जिनसे इमेज बनती है ना, रे ऑप्टिक्स मतलब यहाँ पे लाइट की ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि लाइट जो है ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट पाथ, है ना, लाइट ट्रेवल इन ना स्ट्रेट पाथ, ये पढ़ते आए हो, लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो अब इसमें ये देखना कि जब लाइट स्ट्रेट लाइट में पाथ में ट्रेवल करती है तो उसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होती है ना, जैसे कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी, स्फेरिकल में कैसी इमेज बनेगी, वो सब किस पे है, वो तुम्हारा रे ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स तुम्हारा डिटरमाइन करती है कि लाइट जो है कौन कौन से फिनोमिना शो करती है, मतलब लाइट की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अगर लाइट का वेव नेचर लेके प्रूव हो सकती है। देखो आगे जाके तुम क्या पढ़ोगे कि आगे लाइट को अगर देखा जाए तो लाइट एक वेव है ना, पढ़ी थी तुमने, लाइट क्या है, ईएम वेव है। ठीक है, दूसरा क्या यस कहते हैं मैम, कि लाइट जो है एक मैटर वेव है। मैटर वेव का क्या मतलब है, मैटर वेव बोले कि लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करती है। आगे तुम पढ़ोगे वेव के अगला चैप्टर है जहां से तुम्हारी मॉडर्न फिजिक्स शुरू होती है। लाइट क्या कहती है कि पार्टिकल नेचर भी शो प्रूफ करती है, ऐसे बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ऑप्टिक्स में हम लाइट का कौन सा नेचर लेके चलेंगे, ऑप्टिक्स में हम लाइट का वेव नेचर लेके चलेंगे कि लाइट इज अ वेव।
लाइट जब वेव की तरह ट्रेवल करेगी, कि लाइट की जब हम वेव वाली प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे, तो कौन कौन से फिनोमिनास हैं जो लाइट हमें शो करेगी? देखो अभी तक तुमने स्कैटरिंग पढ़ा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें लाइट क्या हो जाती है, सात कलर्स में डिवाइड हो जाती है, व्हाइट लाइट। यस और अगर सुना हो इंटरफेरेंस, अगर देखा हो, कभी देखा होगा ना कि घरों में मान लो कोई छोटी सी बीम हो, अगर कोई छोटा सा कहीं पे कोई मान लो कोई होल टाइप का है या कुछ है, वहां से लाइट की छोटी सी बीम आ रही हो, और तुम देखते होंगे कहीं पे ना, तुम्हें ऐसा दिखता होगा कि वहां पे एक तो ब्लैक कलर का बैंड है, कहीं पे वाइट है, कहीं पे डार्कनेस है, ऐसे कुछ दिखता होगा, है ना? उस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो वो सब चीजें जो शो करती है लाइट, तो लाइट ही किस प्रॉपर्टी से शो किया जाता है, वेव प्रॉपर्टी, है ना, कि लाइट के पास वेव है तो ये प्रॉपर्टी शो करेगी। अब मैटर वेव क्या कहता है, कि ये लाइट का दूसरा कॉन्सेप्ट है, कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो अब इसमें देखो, जब लाइट पार्टिकल नेचर शो करेगी, तो लाइट कौन कौन से फिनोमिना दिखाएगी, वहां पे हम लोग ये देखेंगे। जैसे जिसमें सबसे तुम्हारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट आता है, कॉम्प्टन इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कॉम्प्टन इफेक्ट हो गया। दूसरा तुम देखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों इफेक्ट हैं, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को लेके प्रूव करे गए हैं, है ना। पार्टिकल नेचर को लेके कैसे प्रूव करे गए हैं, कि मान लो किसी इलेक्ट्रॉन पे अगर लाइट आके पड़ती है और वो इलेक्ट्रॉन एकदम से मोशन में आ जाता है, तो वो क्या दिखा रहा है, कि भाई लाइट के पास खुद का क्या है, मोमेंटम है, मतलब जो उसमें ट्रांसफर कर रहा है वो, है ना, इजेक्शन हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जब पढ़ने में आओगी, तो पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल्ड में जाएंगे, बहुत मजा भी आएगा तुम्हें। तो ये जब आएगा मैटर वेव, जब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगी, अभी तुम पढ़ोगे ऑप्टिक्स, जिसमें अभी लाइट को एज अ वेव लेके चल रहे हैं, कि वेव नेचर अगर लेके चलोगी तो क्या क्या चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। अब वेव नेचर में भी दो चीजें हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जो है प्योर प्योर थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल है, इसमें तुम्हें बहुत चीजें हैं जो जानने को मिलेंगी, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि थ्योरी का सब्जेक्ट है, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। रे ऑप्टिक्स जिसे ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं, ये ज्योमेट्रिकल ब्रांच है। इसमें क्या होगा, इसमें भाई तुम्हें पूरी अभी तक जो तुमने 9th 10th और 8th क्लास में जो मैथ्स पढ़ी है ना, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, अगर ये तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल आई है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस, ये तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो ये बराबर होंगे, तो पूरा ज्योमेट्रिकल एक्सिस तुम्हें भाई आना जरूरी है, तभी ऑप्टिक्स हो पाएगी। अगर जिसको नहीं पता कि अल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं, तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन कराते कराते वक्त तुम्हें सारी चीजों का ध्यान कराऊं, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो कि तुम्हें अलग से जाने जाके पढ़ना पड़े, है ना, क्योंकि उसमें तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। बस एक चीज कर लेना, ऑप्टिक्स इज डिफिकल्ट, मैं पहली बता के चल रही हूँ, मैं तुम्हारे माइंड में कोई ऐसे नहीं बोलूंगी कि हलवा है पका के मिल जाएगा, नहीं, मैं पढ़ाऊंगी। उसके बाद भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी, जब भी इसके क्वेश्चन एग्जाम में हिल पाएंगे, ये बात लिखवा लो मुझसे। तो तुम्हारा जो मॉड्यूल्स है, इस मैंने अभी तक तुम्हें किसी भी चैप्टर के लिए एकदम वो नहीं करा कि करना ही करना है मॉड्यूल, मैंने बोला PYQ कर लो इनफ है, बट ऑप्टिक्स के लिए मैं बोलूंगी PYQ के साथ साथ जो तुम्हारा मॉड्यूल है अवंती का, उसका तुम्हारा एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो तुमने नहीं करा हो ऑप्टिक्स का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्टिक्स से सवाल आते हैं और अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। ऑप्टिक्स ये तो सोचना ही मत कि छोड़ के चले जाए। अब आ जाओ अपना ऑप्टिक्स की ब्रांच पे, स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। मुझे बता सकता है कि कोई की रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बोलिए मैम, किसी चमकने वाली सरफेस से अगर लाइट वापस आती है तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है चमकने वाली सरफेस हो,
अब मान लो तुम्हारे घर की दीवार है, तो तुम्हारे घर की दीवार चमक रही है, रफ सरफेस है ना दीवार, तो बॉल रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस से भी लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि कोई चमकने वाली चीज ही हो, कोई भी ऐसा सरफेस हो सकता है जिससे लाइट, जैसे मान लो ये लाइट आई, अब लाइट कैसे आएगी, तुम्हारे घर में बल्ब है सबके घर में, ठीक है, जैसे ही तुम बल्ब करोगे तुम्हें सारी चीजें दिखने लग जाती है, क्यों दिखने लग जाती है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तुम बोल रहे हो तो मैं बता देना, बता दे रही हूँ, जैसे घर की लाइटें ऑन करते हो तुम्हें सारी चीजें दिखने लग जाती है, क्यों दिखने लग जाती है, क्योंकि हर चीज पर लाइट रे इंसिडेंट होगी, मान लो यहाँ पे तुम्हारा घर का बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, ठीक है, घर के बल्ब से तुम्हारे घर में रखी रखने वाली सभी चीजें तुम्हें अचानक से दिखती है, क्यों, क्योंकि जैसे ही मान लो लाइट इंसिडेंट हुई तुम्हारे टेबल पे, सोफे पे, ड्रेसिंग पे, अलमीरा पे, जहां जहां लाइट इंसिडेंट होंगी, मान लो ये लाइट जाके पड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अब क्या होगी, ये लाइट बच्चों रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, मान लो रिफ्लेक्ट का मतलब अब क्या है, रिफ्लेक्ट का मतलब है जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ के वापस क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, है ना, वापस बाउंस हो जाए, तो देखो यहाँ पे लाइट रे आई और वापस इससे टकरा कर वापस आ गई, यानी लाइट क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, तो रिफ्लेक्शन में लाइट क्या हो गई, बाउंस बैक, अब रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट कहाँ जाएगी, यहाँ पे तुम्हारी आंखें हैं, यहाँ पे तुम अपने बेड पे बैठ के रेस्ट कर रहे हो, तो ये लाइट रेज तुम्हारी आंखों में पड़ेंगी, तब जाके तुम सब चीजें देख पाते हो, तो रिफ्लेक्शन ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से ही तुम सारी चीजें जो तुम्हें दिख पा रही है, इसी की वजह से दिख पा रही है, ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट क्या कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है, एक बार टकराई किसी भी ऑब्जेक्ट से, चमकदार ऑब्जेक्ट नहीं जरूरी, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकरा के तुम्हारी आंखों में एंटर कर जाएगी, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ओके, यस मैम। दूसरा टर्म होता है एक, अभी जस्ट जनरली बात करेंगे, रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन क्या होता है, दो टर्म है, रिफ्लेक्शन, अब रिफ्रेक्शन में क्या होगा, कोई भी तुम्हारे पास ये सरफेस है, मान लो अब लाइट भाई एंटर करी, ठीक है, मान लो ये लाइट क्या हो गई, एंटर कर गई, मान एंटर मतलब सॉरी टकराई किसी सरफेस से, टकरा गई, अब मान लो ये सरफेस से जब टकराएगी, और ये सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, कि लाइट वो पूरा का पूरा क्या कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी, है ना, इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मान लो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि ये लाइट को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, तो ये लाइट जो इंसिडेंट हुई इस पर, जो लाइट टकराई इस ऑब्जेक्ट पे, इसने क्या किया, लाइट को अपने अंदर से ट्रांसफर कर दिया, है ना, मान लो ये 100% इंटेंसिटी की लाइट थी, तो सपोज करो 80% को इसने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, अब बाकी 20% को क्या कर दिया बच्चों, रिफ्लेक्ट, तो यानी रिफ्लेक्ट, अब तुम्हें बताओ, मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें किस चीज से दिखेगा, जो लाइट ट्रांसफर हो गई उससे तुम्हें दिखेगा, या लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है तुम्हें उससे दिखेगा, मैम जो रिफ्लेक्शन से, मैम रिफ्लेक्शन, वेरी गुड, रिफ्लेक्शन से तुम्हें दिखेगा, अब देखो तुमने ना ऐसे मिरर्स देखे होंगे कई बार, जब मॉल्स वगैरह में तुम जाते होंगे तो वो कुछ ऐसे मिरर होंगे जिससे तुम्हें यही नहीं पता चल रहा होगा कि दिस इज अ मिरर या कुछ है ही नहीं, है ना, कई बार टकरा जाते हैं पता नहीं चलता कि ये मिरर है यहाँ पे, ये क्या है, वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है ना, देखे है तुमने कि वो इतना, या कभी रील्स में देखा हो तुमने, यूट्यूब में देखा, कि वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में मिरर है या नहीं है, तो वो क्यों ऐसा लगेगा, रिफ्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन मतलब कि उस पर जितनी लाइट पड़ गई वो सारी की सारी उसने क्या कर दी, 99% लाइट को रिफ्रैक्ट कर दिया, तो तुम्हें वो जो मिरर प्रेजेंट है वो तुम्हें दिखेगा कहाँ से, है वो मिरर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें दिखेगा किसकी वजह से, जब रिफ्लेक्शन होगा, अब जो सरफेस रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, तो रिफ्लेक्शन होगी तुम्हें, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ के तुम्हारी आंखों में जा रही है ना, तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब जिससे लाइट सिर्फ और सिर्फ 0.1% रिफ्लेक्ट होगी तुम्हारी आंखों में जा रही है, तो तुम उस पूरे ऑब्जेक्ट का सिर्फ 1% देख पा रहे हो, समझ रहे हो, सिर्फ 1%, क्योंकि 99% तो उसने रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, जो से लाइट आई वैसे के वैसे लाइट चली गई,
ट्रांसफर हो गई, तो इसीलिए तुम्हें देखने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। अब रिफ्लेक्शन में मतलब लाइट ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब लाइट जब ट्रांसफर होगी ना तो क्या करती है, अपना जो एक्चुअल पाथ है ना उसे क्या कर देती है, चेंज कर देती है। मान लो ये इसका एक्चुअल पाथ है, जिसे हम इमरजेंट रे बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ होता है इसे क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। अब मान लो जो ये जो रिफ्लेक्ट हो गई इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टेड रे। तो ये क्या हो गई, रिफ्रेक्टेड रे। जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए लाइट का, देखो एक्चुअल पाथ का क्या मतलब है, एक्चुअल पाथ से क्या मतलब है कि जब लाइट रिफ्रेक्ट होती है ना तो कुछ ना कुछ अपना पाथ चेंज कर लेती है। मान लो कैसे, देखो दोबारा ये डायग्राम सुंदर सा बना देती हूँ। अभी ये सिर्फ तुम्हारी नॉलेज की बातें चल रही है कि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, मैंने कि तुम्हें अभी तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स इतना अच्छा वो है सब्जेक्ट, पढ़ने में मजा आता है। देखो पहले तुम्हारा इंटरेस्ट बनाना आवश्यक है। अब देखो सुंदर सा बनाते हैं, चलो छोड़ो। कॉपी पेन लेके बैठेंगे भाई सभी। मान लो ये तुम्हारे शीट, ये तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर लाइट रे आई, जो लाइट रे बच्चों आ रही है ना, मैं जो बोल रही हूँ लाइट रे आई, लाइट रे आई, इस लाइट को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। अब तुम्हारे पास दो, या तो ये लाइट क्या होगा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ये ले रे रिफ्लेक्ट कर गई, जो रे बाउंस बैक कर गई उसे क्या बोल रहे हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी रे है तुम्हारे पास रिफ्रैक्टेड रे, हाँ। अब रिफ्रैक्टेड रे में क्या होगा, मेरा मतलब क्या है, देखो इंसिडेंट रे अगर लाइट को पास होना है, ये मान लो ये मिरर ना, तो बिल्कुल एज इट इज पास होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। पर एक्चुअली में लाइट क्या होती है, एक्चुअली में ऐसे पास नहीं होती, वो कुछ ना कुछ अपना लाइट पाथ क्या कर लेती है, बेंड हो जाती है ना, तो ये बेंड हो गई। तो जो एक्चुअल पाथ है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इमरजेंट रे, ठीक है। बट जिस पाथ से वो डाइवर्ट हुई है, इसको जैसे मान लो कि डेल पाथ से चेंज हो गया, अब ये वाली रे कौन सी है, रिफ्रेक्टिव। तो ये जस्ट टेक्निकल टर्म है, मैंने तुम्हें टेक्निकल टर्म से पहले अवगत करा दिया कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, क्या रिफ्लेक्टेड रे होती है, और इमरजेंट रे क्या है कि लाइट अगर ऐसे के ऐसे पास कर जाए, वो जो कभी करती नहीं है, वो ये मैंने शो किया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या करेगी, अपना कुछ पाथ डाइवर्ट कर लेगी, यानी कुछ रे से बेंड हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही है, इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम अनदर, ठीक है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करेगी तो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये रे जो बेंड हुई है बच्चों, इसे बोला है रिफ्रैक्टेड रे। जो ये डेल दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि लाइट कितनी रिफ्लेक्ट हुई है। इसके बारे में बहुत डिटेल में रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज इन दोनों का काम क्या क्या है, काम क्या क्या है। यस मैम। ओके ओके, ये माइक बंद करोगे किसका ऑन है, आपकी वॉइस मेरे पास तो नहीं है, हो गया कर लिया, ठीक है। कम टू द टॉपिक अगेन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे आओ, क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मैंने दूसरी क्लास में ये स्टार्ट कराया था चैप्टर, मैंने एकदम उनको बेसिक पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि मुझे था, पर मैंने देखा कि तुम लोगों का इंटरेस्ट अभी इसमें कम है, वरना तुम कल से ही क्लास में आना, अगर मैं तुम्हें टफ करा देती तो बंद ही कर देते, कहते मैम पता नहीं क्या ही करा रहे हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने थोड़ा बहुत हाई स्कूल में पढ़ा है। क्या कह रहे हो, हाई स्कूल में है मैम थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा है, हाई स्कूल में
है ये टॉपिक मैम, ये पढ़ा ये था। पढ़ा था हम पढ़ा है बट मतलब याद नहीं था इसलिए इसलिए हमने वो भूल जाते हैं ना ऑलरेडी। एक तो तुम्हारे माइक चलो 20 बच्चे आ गए। वेरी गुड। स्क्रीन किसे ना दिख रही भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या बच्चों? मैम हो रही है शो मेरा नेटवर्क इशू था। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बस थोड़ा सा ना शांति बना के बैठे रहना, सुनते रहना कथा की तरह, पर कॉपी पेन लेके बैठना। जब मैंने बोला कि बनाओ डायग्राम तो बनाना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास मतलब हम सबके पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो दिए गए हैं। तो पहला क्या कहता है देखो, पहला ये कहता है कि मान लो अगर तुम्हारे पास ये कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, इस सरफेस से जो लाइट टकराई, बोलो क्या बोलेंगे इस लाइट को? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये टकरा के वापस जाएगी। भाई मुझे अपनी आवाज बंद करो। टकरा के ये वापस चली गई। अब ये कौन सी रे है जो टकरा के चली गई? रिफ्लेक्टेड रे। आर से डिनोट कर रहे हैं। अभी ये अब क्या बोला है कि मान लो ये मिरर सरफेस है की बात करते हैं। अब वो मैंने मिरर के परपेंडिकुलर एक ना लाइन ड्रॉ करी है। ये मिरर के परपेंडिकुलर है मतलब मिरर से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। देखो परपेंडिकुलर है तो उसके हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ही बोलते हैं। तो ये नॉर्मल बनाया है, ये नॉर्मल मैंने मिरर सरफेस के क्या बनाया है? परपेंडिकुलर बनाया है। तो देखो अब जो तुम्हारा, मैं यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो नॉर्मल जो ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, और जो ये रिफ्लेक्ट होने वाली रे इसके साथ जो एंगल बनाएगी, ये एंगल बराबर होंगे। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां से लिए गए हैं ये एंगल्स? फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये एंगल लिए गए हैं। तो क्या है पहला लॉ? यही पहला लॉ है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है। और जो नॉर्मल है वो क्या है तुम्हारा? मिरर सरफेस से किसी भी सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो दैट इज 90 डिग्री, इसका नाम ही ये है। दूसरा क्या लॉ कहता है कि तुम्हारी जो भी रे है, कौन कौन सी रे है? एक तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। वेरी गुड। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। यानी ये कह रहा है कि ये तीनों जो रे है ना तुमने जो बनाई है, आई आर नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि एक प्लेन में होने चाहिए? कि मान लो तुम्हारे ये पास कोई एक मिरर जो है तुम्हारा, वो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा कोई मिरर है विच इज इन एक्स एक्सिस। अब लाइट रे कोई आ रही है ना, ये कोई लाइट रे आई। अब देखो ये कौन सा एक्सिस हो गया जहां से लाइट रे आई है? मान लो वाई एक्सिस है, मैं बोलूँ कि ये वाई एक्सिस है। अब जो भी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो भी नॉर्मल होगा, ये सारे के सारे एक्स और वाई एक्सिस में होने चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्लेन, है ना। यही क्या होगा? प्लेन होता है। प्लेन किससे मिलके बनेगा? दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसे हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है। तो दोनों सारी चीजें एक ही प्लेन में लाए करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। ये नहीं होना चाहिए कि एंगल तुमने आई यहाँ बना दिया पर जो आर बनाया है वो जेड एक्सिस में होगा, ऐसा
नहीं होना चाहिए, तो ये तुम्हारा लॉ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंट रे इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे। ओके बच्चों? यस मैम, यस मैम। रुकिए अभी, अभी आते हैं प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज पे जो अब, ठीक है, अब रिफ्लेक्शन तुमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अभी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी देखो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, मैं और थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तुम्हें पढ़ना है सबसे पहले प्लेन मिरर, क्या क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स, एक मच्छर है वो पता नहीं मेरे बार बार मेरे हाथ से ना, और मुझे दिख भी नहीं रहा, पता नहीं इरिटेट कर रहा है, स्फेरिकल मिरर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एक लेंस, ठीक है, ये तीन चीजें। अब इन तीनों में देखो क्या क्या पढ़ना है, सेम चीजें पढ़नी है, पहला फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तीनों में यही पढ़ोगे सब में। दूसरा टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मतलब टाइप क्या होगा इमेज का, तीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड मिरर, कि एक अभी बताऊंगी ये क्या क्या है। देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या है, कि इमेज कैसी बनेगी, है ना, ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, कितने डिस्टेंस पर बनेगी, कितनी हाइट पे बनेगी, क्या बनेगी। टाइप ऑफ इमेज मतलब रियल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, ये। तीसरा वेलोसिटी का मतलब क्या है, मान लो कोई इमेज ऐसी है जो वेलोसिटी से मूव कर रही है, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, यही सब पढ़ेंगे। सेम स्फेरिकल मिरर में तुम्हारे पास दो मिरर हैं, कौन कौन से बताओ, कनकेव और कॉनवेक्स, कॉनवेक्स कनकेव। अब कनकेव और कॉनवेक्स, है ना, कनकेव और कॉनवेक्स। यहाँ पे तुम्हारे पास तीसरा चीज आ जाता है मिरर फॉर्मूला, एक्स्ट्रा चीज जो कि प्लेन मिरर में नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे कनकेव मिरर में सेम ये पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन, टाइप ऑफ इमेज, तीसरा वेलोसिटी वाला सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक चीज नहीं है विच इज मिरर फॉर्मूला। लेंस में वही फॉर्मेशन ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज, और उसके बाद कनकेव सॉरी मिरर, ये मिरर फॉर्मूला की जगह यहाँ पे आ जाएगा लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें तो तुम्हारी रिफ्लेक्शन में आती है, एक दो दो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक नया फिनोमिना तुम यहाँ पे पढ़ोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो अभी तक तुमने कभी भी नहीं पढ़ा है, ये पढ़ोगे यहाँ पे, बस ये इतने में तुम्हारी पूरी ज्योमेट्री, ये जो रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा था ना, रे और वेव, तो रे ऑप्टिक्स तुम्हारे इस पेज पे खत्म है, ठीक है, दिस इज योर रे ऑप्टिक्स। तो अभी क्या स्टार्ट करेंगे, प्लेन मिरर्स, ठीक है, तो प्लेन मिरर्स में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेन मिरर का, मतलब स्फेरिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन मिरर की वेलोसिटी है, तो क्लासेस तो बिल्कुल बंक करने की सोचना मत, और लास्ट पॉइंट तक डटे रहना, वरना ये चैप्टर चला गया तो बस सब कुछ चला गया। तो आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, देखो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है, सपोज करो, पहली प्रॉपर्टी करा रही हूँ, अपने अपने नोट्स में खुद अच्छे से लिख लेना। मान लो तुम्हारे पास ये मिरर है, ठीक है, कैसा मिरर है ये, प्लेन मिरर, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लेन मिरर से करा रही हूँ, तो मैंने बच्चों प्लेन मिरर लिया। अब प्लेन मिरर में मान लो मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, एक्स दूरी पे रखा हुआ है। अब जो मुझे प्लेन मिरर से जो इमेज मिलेगी वो इक्वल एग्जिट, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। अब देखो मिरर में तुम देखते हो ना अपने आप को, तो तुम्हें इमेज दिखती है ना, अपनी इमेज दिखेगी। अब जैसे ही तुम मिरर के पास जाते हो,
जैसे तुम मिरर के पास जाते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि इमेज भी पास आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो सिमिलर कितने बराबर होगी इमेज के, यानी जो प्लेन मिरर तुम्हें इमेज बना के देगा वो सेम डिस्टेंस पर बना के देगा, कहां से, मिरर से, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर होगी इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, चलो यहां लिखते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, बोलो, इज इक्वल टू व्हाट, टू द इमेज फॉर्म्ड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म, वेरी गुड। पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये तुम्हें अपने दिल और दिमाग में बैठा लेनी है कि प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर इमेज होगी। अब देखो इमेज बनाते कैसे हैं, प्लेन मिरर में इमेज बनेगी कैसे, एक बार फॉर्मेशन देख लो, फॉर्मेशन जरूरी है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तुम्हें बस एक चीज देखनी है, ऑब्जेक्ट तुम्हें कोई चीज कब दिखेगी, जब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इमेज भी तुम्हें जब ही दिख रही है क्योंकि जब तुम्हारी आंखों में रोशनी पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट की, जब ही तुम्हें इमेज दिख रही है वो, तो तुम्हें क्या करना है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज है ना वो मिरर पे फॉल करानी है। तो ये ऑब्जेक्ट से तुमने बस मिरर पे लाइट फॉल करा दी, ये इतना काम करना है तुमने। अब जैसे ही मिरर पे लाइट फॉल करेगी भाई, मिरर क्या कर देगा, लाइट को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, मिरर ने लाइट आई और मिरर ने लाइट कर दी रिफ्लेक्ट। अब भाई इमेज बनेगी, अब इमेज बनने के लिए क्या चाहिए होता है, देखो इमेज कब बनेगी, पहला पॉइंट देखो, इमेज कब बनती है, इमेज को बनाने के लिए दो रेज चाहिए होती है, दो रेज तो चाहिए ही चाहिए, तभी एक इमेज बनके तैयार होगी। तो अभी देखो यहाँ इमेज बन रही है पर यहाँ पर कोई रेज जा नहीं रही, तो ये क्या कैसे पॉसिबल है, देखो ये रेज तुम्हें क्या दिखती है, जब तुम शीशे में देखते हो तुम्हें क्या लग रहा है कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, है ना, तुम्हें क्या लगता है कि मिरर के पीछे कुछ है जहाँ पे इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें लग रहा है कि जो मिरर, जो ये तुम्हारी इमेज है, ये जो लाइट रेज है ये कहीं ना जाके पीछे बैकवर्ड में क्या कर रही है, ऐसे यहाँ से आ रही है ना, तुम्हें क्या लग रहा है कि जो ये लाइट रेज जो तुम्हारी आंखों में पड़ी है आगे, ये लाइट रेज कहां से आ रही है, बैकवर्ड से आ रही है, तुम्हें ये प्रतीत होगा बट एक्चुअली में ये रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में आई है। पर अभी देखो मुझे दो रे चाहिए, ये तो कितनी रे हैं, एक रे, तो एक क्या कर सकते हैं, एक रे यहाँ पे गई और वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो अब देखो मेरे पास दो इमेजेस, दो रे यहाँ पर मीट कर चुकी है, ठीक है, अपीयर, ये एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है पर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ से रेज निकल के आ रही है, जो तुम्हारी, पर देखो अभी तुम्हारी आईज में रेज नहीं गई, सॉरी राइज आईज में भी तो नहीं गई ना, तो अभी देखो क्या करो, एक यहाँ से एक और ले लो, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ है क्या चीज, मान लो एक रे और गई यहाँ से, ये तुम्हारे मिरर पे पड़ गई, मिरर ने फिर से रिफ्लेक्ट कर दी, देखो, और तुम्हारे पास दो रे हैं, एक तो ये रे हो गई रिफ्लेक्टेड और एक ये दूसरी रे हो गई, खुद देखो क्या तुम्हें ये कहीं पे मिलती हुई दिख रही है, ये इमेजेस, ये दो रे कहीं पे मिलती हुई दिख रही है तुम्हें, देखो मैं इन्हें आगे बढ़ाऊंगी ये आगे बढ़ती चली जाएंगी पर कभी मिलेंगी नहीं, तो ऐसी जो रेज जो कभी ना मिले, ऐसी रेज की वजह से जो इमेज बनती है ना उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज, कैसी, वर्चुअल इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है कि जो इमेज बनी है ना वो ऐसी रेज की वजह से बनी है, जो रेज कैसी कैसी लगेंगी, अपीयर टू मीट है बट एक्चुअली में मीट नहीं कर रही, वर्चुअल इमेज वो इमेज है जो उन रेज की वजह, अब देखो मैं ये वाली रेज को भी ना बैकवर्ड में ट्रेस कर देती हूँ ऐसे, अब देखो अब मिल गई दो रेज की वजह से बन गई है,
तो एक बात याद रखना, जो पीछे रेज तुम ट्रेस करोगे ये वही रेज होंगी जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, हमेशा याद रखना, कभी इंसिडेंट रे को ट्रेस मत कर देना, ऑलवेज जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वही ट्रेसेस होंगी, वही मैंने ट्रेस कर दी। और वर्चुअल इमेजेस वो इमेज है जो कभी भी उन इमेजेस की बने, की मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्म्ड व्हेन रेज डू नॉट मैट एक्चुअली, मतलब एक्चुअली मीट नहीं करेगी, तो वो वाली जो रेज बनेगी उनसे जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज की मुझे कोई प्रॉपर्टी बता सकता है कि वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों? वर्चुअल इमेज, हाँ वेरी गुड, वर्चुअल इमेज कैसी होगी? अपराइट इमेज, अपराइट। अब देखो, अब तुम्हारा सवाल आना चाहिए, मैम क्या हर प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा? तुम्हारा सवाल आना चाहिए, मैम क्या हर प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा? तो इसमें आंसर क्या है मेरा? यस, ऑल प्लेन मिरर, बोलो, ऑल प्लेन मिरर्स फॉर्म्ड वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेज, सारे प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाएंगे, ठीक है? या कभी भी तुम देख, कोई तुम्हारे घर में कभी कोई ऐसा मिरर आया जिसमें तुम्हें अपनी इमेज तुम्हारे पीछे खड़ी दिख रही हो? नो कभी नहीं आया कि मतलब तुम यहाँ खड़े हो और तुम्हें अपनी इमेज यहाँ दिख रही हो? कभी कोई ऐसा इमेज, तुम कभी कोई ऐसा मिरर लेके आए हो? नहीं मैम, अब तक तो नहीं लाए। अच्छा हाँ, तो ये कभी नहीं है, तो इसलिए वर्चुअल मतलब पीछे इमेज बन रही है, तो वो वर्चुअल इमेज, तो हर मिरर के लिए सेम प्रॉपर्टी। अब वर्चुअल इमेज भी हमने बता दी कि जो नेवर मीट करेंगी, और वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज मुझे बता दो, मैं ये इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, वैसे ये तुमने 10th क्लास में पढ़ लेना चाहिए था, इसलिए मुझे बताओ कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, बोलो। तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम्हें पता है, बट तुम कॉन्फिडेंस नहीं है बताने का, When बोलो। the lines don't actually meet. हाँ ये तो एकदम सही है, वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी बताओ कि जैसे अब तुम शीशे में देखते हो खुद को, तो तुम ऐसे दिखता है शीशे में कि तुम्हारा जो सर तुम्हें उल्टा दिख रहा हो, कुछ ऐसा दिखता है कि सामने जैसी तुम हो वैसी दिखते हो? मैम हमें मतलब हमारा अगर हम लेफ्ट लेफ्ट वाली हैंड चीज राइट में दिखती है, लेफ्ट हैंड राइट में और राइट हैंड लेफ्ट में। हाँ वेरी गुड, देखो तुम्हें पता है, सब पता है तुम्हें, पर ये मैं मेरा सवाल ये है कि तुम्हें इमेज जैसे मानो तुम शीशे में खुद को देख रहे हो, तो क्या तुम्हारी इमेज तुम्हें उल्टी दिखती है, इन्वर्ट हो जाती है? नो मैम, ओ नो मैम नो, तो तुम्हारी इमेज इन्वर्ट नहीं होती, यहाँ पे कैसी इमेज रहेगी तुम्हारी? अपराइट। अपराइट का मतलब अपराइट है कि जैसा तुम दिखा रहे हो जैसी इमेज है वैसी ही दिखेगी, ये नहीं है कि अगर तुम्हारे तुम्हारे यहाँ पे हेड है तो तुम्हें मिरर ने यहाँ पे हेड बना दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसी मैम। जो, तो वर्चुअल इमेज को क्या, वर्चुअल इमेज कैसी इमेजेस होती हैं? अपराइट इमेजेस, ठीक है? और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक सेकेंड। वर्चुअल इमेज का तो कहीं पे कोई नाम निशान है ही नहीं इस बुक में। छोड़ो, मैंने तुम्हें बता दिया वही इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं दे रखा। ठीक तो वर्चुअल इमेज कैसी इमेजेस होती है? अपराइट इमेजेस होती है, ये पॉइंट इमेज, ये अपराइट इमेज होगी। और तो अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, ये देखो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बताया, ठीक है? अभी आ जाओ, पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, देखो ये सबसे स्टार मार्क ये है डिस्टेंस वाला, और फिर उसके बाद वर्चुअल इमेज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा आ जाओ, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए बात कर लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है,
ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इस ये यहाँ से एल डिस्टेंस दूरी पर है मिरर से, ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें इसकी मिरर इमेज, अब तुम्हें इसकी इमेज बनानी है, ठीक है, इमेज बनाओ इसकी। चलो क्या है, तुम्हें रेज ऐसी बनानी है जो एक्चुअली में मीट ना हो रहे हो। तो देखो अब हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी तुम्हें किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ना होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे तुम अपनी शक्ल देखते हो शीशे में तो यू आर द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं। तो जब भी ऐसी इमेज बनानी है तुम्हें शीशे में, तो एक सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहली इमेज तो जो हेड है वहां से निकालो, क्योंकि तभी देख पाओगे। तो हेड से इमेज गई, अब देखो यहां से गई रे, तो वापस रिफ्लेक्ट भी होके ऐसे एज इट इज आ जाएगी, बोलो। यस मैम। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा सवाल होना चाहिए था कि मैम लाइट यहाँ से किसी थीटा से क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि ये देखो कैसा, ये जो रे यहाँ पे जो इंसिडेंट हुई है ये नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई है। तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो ये मैंने बनाया है, इस नॉर्मल का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जब भी कोई कोई भी लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट होगी ना, सुनो, जब भी कोई लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे अगर मैं बताऊं, मान लो कोई लाइट नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई है तो वो रिफ्लेक्टेड भी कैसे हो जाएगी, एज इट इज, तो यानी जब लाइट रे नॉर्मल पे आई है तो अभी वो किसी थीटा से दोबारा नहीं होगी कि अब ये परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट हुई है तो ऐसे चली गई। बोलो क्यों, मैंने अभी तुम्हें बताया था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, अगर भाई वो 90 डिग्री पे आ रही है नॉर्मल पे तो वो वापस जाएगी भी 90 पे, तो इसीलिए बोलते हैं कि नॉर्मल पे जो लाइट रेज है वो क्या होंगी, एक दूसरे के जैसी आई वैसी की वैसी चली गई। तो देखो अब मैंने जो ये तुम्हें लाइट रे बना के दिखाई है डायग्राम में, देख लो अपने में, जो रिफ्लेक्टेड रे एज इट इज आई वही इंसिडेंट आई वैसे ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये अब क्या करें, इसको एक्सटेंड कर देते हैं भाई, अपीयर टू मीट हमें लगाना है, चलो एक्सटेंड कर दिया। अभी क्या करें, एक अब हेड से ले लिया, अभी कहाँ से लेना है भाई, टो से, मतलब बिल्कुल फुट से, क्योंकि पूरी इमेज तो जब ही दिखेगी ना तुम्हें, जब एक बार स्टेप से इमेज एक लाइट रे जाएगी और एक पैर से जाएगी तभी पूरी पूरी इमेज दिखेगी, वरना इमेज दिखेगी नहीं। तो मान लो यहाँ से लाइट गई और ये वापस आ गई, अब मैं इसको फिर से पीछे एक्सटेंड कर सकती हूँ, कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर एक लाइट रे मैंने इसके यहाँ से यहाँ पे वो करा दी इंसिडेंट, यहाँ से वो टकरा के बच्चों चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके चली गई। अब देखो जो ये मैंने क्या बोला है, हमेशा रिफ्लेक्ट जो रे रिफ्लेक्ट हुई है ना, जो रिफ्लेक्ट हुई है उसी को रिट्रेस कराना है। तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे है तो मैं इसको रिट्रेस करा सकती हूँ, जहां पे ये रेज मीट कर गई वहां पर क्या बन जाएगी तुम्हारी इमेज। तो मान लो ये इमेज ए बी थी जिसकी हाइट एच थी, तो जो तुम सॉरी ऑब्जेक्ट था वही तुम्हें यहाँ पे मिलेगा जिसका हाइट जिसकी हाइट भी कितनी मिलेगी एच, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज लिखो, इमेज की हाइट भी बच्चों किसके बराबर रहेगी, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर। तो इसका मतलब क्या, और कितनी दूरी पे बनेगी, सेम डिस्टेंस एल है, सेम डिस्टेंस, तो एल डिस्टेंस था तो ये भी एल डिस्टेंस पे बन जाएगी। तो क्या एक तो सेम डिस्टेंस पे और जितनी हाइट है उतनी ही हाइट बनेगी, वर्चुअल इमेज है तो अपराइट बनेगी, तो अपराइट देखो जैसा था वैसा का वैसा बन गया, ठीक है। मैम अपराइट क्या होता है, अपराइट का मतलब है कि उल्टा नहीं हुआ, इन्वर्टेड नहीं बनेगी इमेज, इन्वर्टेड का मतलब होता है जैसे ये अब इसका इन्वर्टेड हो जाएगा, ये उल्टा होना है ना, कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज आ गई ऐसी, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड होना। तो इन्वर्टेड नहीं मिलेगी, कैसी बनेगी, अपराइट इमेज बनेगी। यस मैम। अपराइट इमेज हाइट ऑफ द इमेज, तो क्या क्या समझ में आया, चलो
बताओ कौन बताएगा, अभी तक रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा भी, कोई भी जन एक जना रिपीट कर दो। क्या मैम, क्या रिपीट करना है? मैम पहले दो लॉस पढ़े जो कि थे, पहला लॉ था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। हमने दूसरा लॉ ये पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल रे होती है वो तीनों एक ही मतलब प्लेन में लाई करती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हमारे पास प्लेन मिरर होता है तो वो हमें एक वर्चुअल इमेज देता है, जब मतलब उसकी जो हाइट होती है वो भी सेम होती है और उसका जो डिस्टेंस होता है मतलब इमेज फॉर्मेशन का वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल होता है बिहाइंड द मिरर। वेरी गुड, वेरी ग्रेट, वेरी गुड, वेल डन। और एक हाइट की, हाइट जितनी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही इमेज की हाइट मिलेगी। और तुम्हें रे डायग्राम बनाने से तुमने क्या चीज सीखी कि वही रे रिट्रेस करी जाएंगी जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी, उन्हें ही तुम रिट्रेस कर सकते हो। रिट्रेस का मतलब क्या कह रही हूँ मैं हिंदी में समझाती हूँ, रिट्रेस का मतलब है कि जो ये मैं बैकवर्ड में जो ये रेज को एक्सटेंड कर रही हूँ ना, ये तुम उन्हीं रेज को एक्सटेंड कर सकते हो जो रिफ्लेक्ट होंगे। तो देखो मैंने ये वाली रे ना रिफ्लेक्ट करके मैंने ये रिफ्लेक्ट करी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और ठीक है इतना ही था, अब आ जाओ अपना लेटरल इन्वर्जन की चौथी प्रॉपर्टी है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन जो अभी बताया था किसी ने कि मैम लेफ्ट राइट वाला कुछ सीन होता है ना, कि लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट। जैसे कि अगर अब तुम अपने शीशे में जाओगे और अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो तुम्हारी जो इमेज है वो अपना राइट उठा रही होगी, तुम्हारी जो इमेज है उसका राइट हैंड उठ रहा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, लेटरल, लेटरल इन्वर्जन। अब देखो ये क्यों होता है, इसे देखो ये क्यों होगा, मैम इस रे का मतलब क्या होता है? कौन सी रे? ये लेटरल का, ये समझा रही हूँ ना, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है ये तो समझा रही हूँ, सुनो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब है ये यहाँ पे देखो। मान लो इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट का इशू आता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि इमेज, देखो अभी तुमने क्या पढ़ा कि जैसी इमेज है अगर उल्टी सीधी तो नहीं बनेगी, है ना, ये तुमने पढ़ा कि अपराइट जैसी मतलब इन्वर्टेड तो नहीं बनेगी इमेज। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि जो इमेज होगी ना उसमें लेफ्ट राइट में चेंजेस आएंगे, इसी को बोला गया लेटरल इन्वर्जन। देखो कैसे चेंज आएगा बताते, मान लो तुम्हारे पास एक लेटर है पी, ठीक है, पी लेटर है, ये पी तुम्हें अब देखो कैसे दिखेगा, ये तुम्हें दिखेगा ऐसे, क्यों दिखेगा, अब इसका रीजन देखो क्यों दिखेगा, पी तुम्हें शीशे में ऐसा दिखेगा, वाय रीजन देखो, सीखो बनाना कैसे इमेज कैसे बनाते हैं ये सीखो। जब भी तुम प्लेन मिरर में कोई इमेज ड्रॉ करोगे तो वो पार्ट सबसे पहले आएगा जो मिरर के क्लोजेस्ट होगा, ठीक है, वो पार्ट सबसे पहले बनेगा जो मिरर के क्लोजेस्ट होगा। तो देखो तुम्हारे पीप में दो पार्ट है, एक तो ये सीधा डंडा और एक ये सर्कुलर पार्ट है, तो मुझे बताओ ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट इस मिरर के क्लोजेस्ट है? सेकंड पार्ट, सेकंड मिरर के क्लोजेस्ट, अच्छा सेकंड, वेरी गुड, सेकंड, यस, तो ये पहले बनेगा। अब जो लास्ट पार्ट है वो बाद में बन जाएगा इस तरीके से। तो मिरर क्या फॉलो करता है कि जो पहले आएगा मैं उसे पहले बना दूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करनी है ना, कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट पहले आया उस ऑब्जेक्ट की इमेज पहले बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। अब एक चीज और देखो, और क्या, और कौन सा लेटर बनाए बोलो, जो लेटर बता दो, वाई, 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 देखो कैसे दिखेगा, ये ऐसे है, तो ये पॉइंट देखो, मैं तीन पॉइंट बना रही हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए, ए बी सी, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है इसके,
मैम ए भी मैम ए सबसे पहले ए ये सबसे पहले ए को बनाएगा और कैसे बनाएगा ऐसे और सी को क्या बना देगा एज इट इज जैसा है ये तुम्हारी इमेज ऐसे बन जाएगी तो ए वाला इसके पास ज्यादा इंक्लाइंड होगा और बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट बनाओ मैम डी बी वाला तो तुम भी बना सकते हो पहले ये ऐसे वाला बनाएगा और फिर ये ऐसे बनाएगा तो इसमें भी जो पहले नजीक आया उसको बना दिया जो बाद में आया उसको ऐसे बना दिया ओ देखो ओ एज इट इज आ जाएगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा है ना इसमें कोई चेंज नहीं हुआ और लेटर्स देखो जैसे कि बात करते हैं हम जेड 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 में देखो अगर मैं पार्ट बनाऊं 1 2 3 4 तो भाई सबसे पहले इसके नजदीक आ रहा है ये टू ऐसे बना देगा सबसे लास्ट में 1 4 है उसको ऐसे बना देगा कुछ ऐसे बनाएगा ऐसे ही बनेगी ना कुछ इमेज की दोनों पॉइंट एक ही जगह पर तो है 1 और 2 यस मैम क्या कह रहे हो मतलब सेम डिस्टेंस है 1 और 2 का तो 1 और 2 का आगे पीछे मतलब दोनों एक के नीचे एक ही आएंगे नहीं नहीं मैंने तो नॉर्मल बनाया है ये देखो ये वाली जो पार्ट है ये तो पॉइंट है ना देखो ये 1 वाला तो ऐसे पॉइंट आ गया ये यूं आ गया ठीक है 1 एज इट इज रख लो 1 एज इट इज आ गया आप इसके ये बाद में इमेज आई है तो इसके बाद में एज इट इज बना दिया अब 2 वाला पार्ट कैसे जाएगा पहले ये 2 का पॉइंट आ गया अच्छा 2 भी तो जैसे पहले था वैसे जाएगा ना तो कैसे गया तू यहाँ पे आ गया अब इसके ये वाली लाइन जो है ये देखो एक सेकंड एक मिनट रुकना भाई कौन इसके पहले आ रहा है ये पॉइंट पहले आया और ये इसके पीछे है तो ये एलिट जाएगा ये वाली लाइन तो पर इस ये वाली लाइन जेड तो ऐसे ही रहना चाहिए शायद जेड में मुझे नहीं लग रहा कुछ चेंज आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ये इसके पास पहले ये लाइन आई तो इसने ये लाइन एज इट इज बना दी ठीक है और ये इस वाली इमेज को थोड़ा पर ये वाली इसको चेंज करेगा ना ये इस वाली को चेंज करेगा इसको ये ऐसे बनाएगा नो मैम मैम आगे से होगा इस वाले ऐसे मुझे लग रहा है जेड का सेम ही आएगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा मैम सेम नहीं आएगा मैम चेंज होगा फिर वो जो लाइन होती है ना स्लैंटिंग लाइन वो उसमें डिफरेंस आएगा मैम ये तो एज इट इज आ जाएंगी ये दोनों लाइंस तो इनमें ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसी आती है देखना मैम इधर वाले पॉइंट से होगा इधर एक सेकंड रुको ये वाली लाइन है ना ये इंक्लाइंड है तो ये पहले बनेगा जैसे ये वाला पॉइंट ये लाइन ऐसे है ना ये तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी तो मेरे हिसाब इधर वाले पॉइंट से इधर वाला ये इधर जाके ऐसे ये सही ये ऐसे बन जाएगा ये सेम जेड तो देखो ये पॉइंट 1 था ये पॉइंट 1 ऐसे तेज आ गया ये 4 फिर यहाँ चला गया अब जो ये 3 वाला पॉइंट है ना ये इसका ये वाला पार्ट जो ऐसे था वो टिल्ट हो गया ऐसे यहाँ पे तो ये 1 3 पार्ट ऐसे आ गया 2 वाला पार्ट नजीक था तो ये लाइन पहले थी तो ये लाइन पहले आ गई ये इस तरीके से बनेगा
जो जो चीजें पहले आ गई उन्हें पहले बनाता चला जाएगा। ये बन गई तुम्हारी जेड, और क्या बनता है एम, एम कैसे बनेगा, एम तो 1 2 3, एम का पहले ये सेम आया ये, सेम हाँ एम तो भाई सेम आ गया, एम में तो कोई चेंज नहीं है। डब्ल्यू वो भी सेम आएगा। अब देखो डब्ल्यू का एम नहीं बनेगा है ना, क्योंकि कैसी इमेज देता है वो, अपराइट इमेज है ना, इन्वर्टेड नहीं बनाएगा। डब्ल्यू का डब्ल्यू ही दिखेगा कि एम दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा, हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू का दिखेगा। डब्ल्यू दिखेगा। और सारे एन लेटर्स बना लोगे, चलो सारे लेटर बना दिए, अब घड़ी बनाओ। हम किसकी? ये एक घड़ी है जो इतने बना रही है, 3 बजा रही है, ठीक है, 3 3 o'clock दिख रहा है, कितने मिरर इमेज में कितना दिखेगा, नाइन वेरी गुड, कितना दिख जाएगा बच्चों, 9, क्योंकि नाइन देखो नाइन इस बार एरो के हेड को बनाएगा, तो एरो का हेड पहले आया है ना, अब एरो की टेल आई, टेल बन गई, अब ये वाला तो एज, तो अब ये कितना बन गया तुम्हारा, 9 o'clock। और क्या टाइम बनाए बताओ, चलो बना के देखते हैं, मैंने बस एक का ही सोचा था कि 3 बना के दिखाऊंगी, क्योंकि ये एक ही माइंड में आया था। और क्या एग्जाम्पल है इसके, देखो एग्जाम्पल ना बहुत छोटे बच्चों की बुक्स में मिलते हैं, अब इसके एग्जाम्पल मेरे पास खुद भी नहीं है। और कितना बजाए भाई, 11 11, चलो 11 बजा के देखते हैं। मैम 11:40 कितना, 11:40 11:40, तो यस ये तो 11 हो गया, और 40 के लिए कहाँ पे जाएगी भाई, 12, अच्छा 11 तो इधर बचता है, 12 1 मैम, हो इधर गया, होगा 11, मैम 1 बज गया, हाँ रुको मैम आप 12 बजा दो, ग्यारह एक तो बज रहे ये, एक तो ये हो गया 11, और 11:40, तो 40 के लिए मैंने, एक 10 बज सूट, रहा है इसमें, 10:05 है मैम वो। यस मैम, हाँ रुको, 11 11:40 है ना, तो देखो ये मिनट हैंड या आवर हैंड यहाँ पे, और मिनट हैंड 40 हैंड 5th, और ये 7th, ठीक है, अभी अब ठीक है, तो ठीक है मैम, ठीक है। यस मैम ठीक है। ये बच गए तुम्हारे, क्या अभी थोड़ा गड़बड़ है, 8 पे हो गए नहीं, मैम। ठीक है मैम, जाने दो। अभी ठीक है, समझ गए ना मैम तुम, आप क्या पीछे कहीं बना दो इमेज, चलो थोड़ा सा और अच्छा, अब ये तुम हटा दो सारे, चलो बने रहने दो, कोई नहीं बने रहने दो, तुम्हें इजी हो जाएगा, मिनट हैंड बड़ा बना लेना, आवर हैंड ये हो गया छोटा, तो अभी ये यहाँ पे बताओ कितने बजेंगे, मैम 1:20 तो सबसे पहले कौन सी, भाई ये तुम्हारा डॉट इधर लगा दिया, अब ये वाला, कौन सा सबसे पहले बनेगा, ये तो सेम सेम ही होगा, 1:20 पहले ये नंबर्स ये दिखाएगा यहाँ पे, फिर इसके बाद ये 1 बजे ये वाली सुई जाएगी भाई 1 पे, और ये वाली चली जाएगी 5 पे, तो 1:25 दिखाएगा, 4 पे ना मैम, सॉरी 4 पे, यस 4 पे, 20 मिनट, 1:20, ट्रू 1:20 ऐसे, और क्या, और इसमें एक बार 2 बजा के 2 बना देते हैं, 2 बज गए हमारे ऐसे, तो 2 का कितना बजाएगा बच्चों, दो का कितना बचा देगा, 10, ये वाली सबसे पहले यहाँ पे आ गई सुई, और ये तो परपेंडिकुलर वाली तो ऐसी रहेगी, तो 2 का इसने कितना बचा दिया, 10 बचा दिया। अब इसका एक सबसे पहले तुम्हें एक एक फॉर्मूला बता दूं, कि अगर नहीं बना के देखा जा रहा, कुछ गड़बड़ आ रही है, तो कैसे डायरेक्ट टाइम निकालते हैं, तो देखो कैसे निकालते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, अः
है ना, उन्होंने सिखाया था। ठीक है, इसमें से जो समय दिया हुआ है ना माइनस कर दो। जैसे अभी मैंने तुमने मुझे क्या दिया था 11:40, चलो 11:40 माइनस करना, इसमें से कितने बज रहे थे तुम्हारे, तुमने कितना बजाया था 1:20 बजाया था ना, करना इसमें से माइनस। कितना बचा 9:05। अरे रुको, पहले मैं तो एक बार याद कर लूं कि क्या था फॉर्मूला, एक मिनट रुको। ये तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, लास्ट टाइम वो होता है ना, लास्ट टाइम मेडिसिन, कि भाई जब कुछ नहीं याद आ रहा तो ये वाला फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। एक सेकंड रुको, मुझे चेक करने दो, कहीं अगर मैंने नोट किया हुआ तो मैं देख लेती हूँ। चाहिए क्या ये फॉर्मूला, खुद से ड्रॉ कर लोगे? कर लेंगे। हाँ तो ड्रॉ ही कर लेना है ना। yes, ये मतलब तुम्हें जितना भी ये था कि जो ये टाइम था ना उसमें से जो तुम्हें गिवन टाइम है वो माइनस कर दो। जैसे मैंने ये लिखा था यहाँ पे 11:59 और ये 60 लिखा था, इसमें से जो भी तुम्हें गिवन टाइम है ना वो माइनस कर दोगे तो वो उसकी मिरर इमेज देगा। जैसे अभी तुमने पहले एक सबसे पहले अभी हमने क्या बनाया था, 3 बनाया था, तो 3 माइनस करना है इसमें से 3:00, 60 आ गया, ये एज इट इज 59 और 11 में से 3 गए तो बच्चों कितना आया 9। तो देखो तुम्हें कितना मिल गया 9:00। तो मतलब तुम्हारी घड़ी जो इमेज मिरर इमेज बनाएगी वो कितना बनाएगी, 9:00 बनाएगी। ठीक है, और जैसे कि अभी तुमने मुझे क्या आंसर दिया था मैम 11:40 वाला, तो 11:40 पे तो भाई वो कितने बजा रही थी, 11:40 पे कितने बजा रही है, ये तो एज इट इज रहेगा, तो 60 एज इट इज आ गया, 9 एज इट इज, ये 1 एज इट इज और ये 0, ये क्या है 19 मिनट? यस मैम। हाँ 19 तो है, पर एक्चुअली में ये इसका मीनिंग क्या है, एक सेकंड, ये फॉर्मूला फिर नहीं चलेगा क्या? अच्छा 10 वाले में लगाना है एक बारी, 10 वाले में, 10 वाले में बनेगा, 11 में से 10 गए तो कितने बचे, 11 हमने 2 वाला लगाया था ना, तो 11 में से 2 गए, मैम इसमें तो बन रहा है। अच्छा रुको, ये 9 बज के ये कितना आया है मेरा, ओहो नहीं वो 59 मिनट्स में लिखना है, रुको हमने 3 घंटे लिख दिए ना, वो 59 मिनट्स में करके लिखना है तुम्हें, मिनट और सेकंड में। ठीक है रुको रुको, ऐसे नहीं करना, आ गया, एक बार करके देखते हैं क्या पता लगी जाए भाई, हो ही जाए, एक सेकंड देख लेते हैं। मैं भी तुम्हारे सामने ये चीज पहली बार ही कर रही हूँ, मुझे बहुत पहले का याद है किसी ने ऐसे बताया था कि कर सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं, रुको ये है, देखो मैंने कैसे याद किया है, पहले तो ये देख लो कि 12 होता है, तो 12 घंटे 12 मिनट 12 सेकंड, तो इसमें से एक एक कम कर दो, तो 11:59 और ये तुम्हारा 60। अब मुझे 3:00 लिखना है, तो बच्चों 3 कैसे लिखूंगी मैं, 2 घंटे 59 मिनट्स और 60 सेकंड। अभी 11 में से 2 गए कितने बचे, 9, अब ठीक आया है, अब करके देख लो। अभी दूसरा क्या लिया था हमने, 11:40, तो इसको कैसे लिखेंगे 11:40 को, तो 11:40 लिखो इसमें, यानी कितने बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं ऑलरेडी, मिनट कितना हो रहा है 40 मिनट, तो इसको क्या लिख दें 39 मिनट और सेकंड्स में कितना लिख दें 60 सेकंड। ये 20 क्या आ रहा है अभी, 0:20 कुछ
कुछ गड़बड़ कुछ तो थोड़ी बहुत गड़बड़ नहीं है सर, दोनों टाइम सेम ही तो हो गए, दोनों टाइम सेम 11 थोड़ी बज रहे हैं दोनों में, एक सेकंड ये 11 वाला छोड़ना, इसके अलावा कोई दूसरा टाइम लेना एक बारी, तो मैं ये ऑल क्लीन करती हूँ, इसमें ये फॉर्मूला एक बार भी करके देखते हैं, मुझे भी बढ़िया अच्छा सा लग रहा है सुनने में, तो कितना अभी तुम दो बजा के देखते हैं, ठीक है दो बजा के देखते हैं इसमें, तो 11, 59 और 60 सभी करो, तो 2 घंटे को क्या लिख देंगे, 1 घंटा 59 मिनट्स और 60 सेकेंड्स, ये 0 0 11 में से 1 गए तो कितना बचा 10, तो ठीक है 2 का 10 बच गया वेरीफाई, और कितना बजाएं 2 का, अब एक बार मिनट्स में कर लेते हैं, 2 बज के अगर मेरे पास 10 मिनट हैं तब एक बार कर लेते हैं, मिनट्स में भी समझ आ जाएगा, करना एक बार इसको 11, 59 और 60, तो 2 घंटे 10 मिनट को कैसे लिखोगे बच्चों, अब तो लिख ही सकते हैं डायरेक्टली 2 घंटे 10 मिनट 2 घंटे 9 मिनट्स और 60 सेकंड्स, तो ये गया मेरा 0, ये आया मेरा 50 मिनट, 11 में से 2 गया तो 9 सही आ गया भाई, यस मैम 9:50 बिल्कुल yes, सही आ गया, वेरीफाई वो 11 वाला और देखो एक बार, तो ठीक है बच्चों क्या करना है तुम्हें, मिनट्स के नीचे मिनट्स और सेकंड्स के नीचे सेकंड्स लिखनी है, तो अगर इस फॉर्मूले में तुम्हें जो भी तुम्हें टाइम दिया है और उसका मिरर इमेज पूछा जाए कि उस टाइम का मिरर इमेज क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना है 11, 59 और 60, मैंने 12:12 से याद किया है 12:00, 12 का 11 फिर 59 मिनट्स और 60 सेकंड, ये लिख दो, और जैसे ही तुम्हें जैसे 2 घंटे दिए हैं तो उसको ऐसे नहीं लिखना, उसको मिनट और सेकंड उसमें लिखना है, फिर 2 घंटे 10 मिनट है तो पहले आवर तो तुम्हें मिल गए, अब वो मिनट्स कितने हो गए देखो 10 मिनट्स है, ठीक है तो 10 मिनट्स कितने हो गए तुम्हारे पास, एज इट इज कितना लिख दिया मैंने, हाँ 10 मिनट्स को क्या लिख दिया 9 मिनट्स 60 सेकंड्स, तो ये तुम्हारा आंसर भी वेरीफाई, एक बार अभी वो 11 वाला फिर से करना सही था, कहाँ सही था, ये लोग 11 कितने बजाए थे हमने, 11:20, 11:40 बजाए थे ना, 11:40 बजाते हैं देखो 11, 59 और 60, तो 11 घंटे 39 मिनट और 60 सेकंड, तो 60 से 60 गया तुम्हारा, ये 20 मिनट क्यों आ रहा है भाई, मैम सही तो है मैम, यहाँ 11:40 है मतलब 20 मिनट बाकी है, उधर 20 मिनट हो गए, 11:40 आ रहा है तो वो सिर्फ 20 मिनट दिखा रहा है, निडल वाली इसको 11 पे ही है, मैम 11:20 मिनट बाकी है 12 बजे और इधर आंसर आ रहा है 20 मिनट मतलब 20 मिनट हो चुके हैं, अभी वो 60 माइनस 40 मैम वो 20 आएगा ना, नहीं 60 चला गया, 4 में से 3 गए तो 20 मिनट ही तो बचेगा ना, वही तो मैम, फिर क्या मेरे एक सेकंड भाई 11 कैसे बचेंगे, 12, 11 ये रहा तुम्हारा 11 नहीं 11 तो इधर बजेगा 11:40 इधर, तो मतलब 12 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो पर इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इसकी मिरर इमेज तो वो बन रही थी ना, कितना बन रहा था इसका मिरर इमेज, 1:20 12 बजने में 20 मिनट बाकी है तो हाँ तो 12 बजने में 20 मिनट बाकी है ना, यस मैम, फिर तेरी इमेज तो मैम 20 मिनट की बनेगी, मैम रख करके एक बार वॉच बनाइए, ठीक है तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा वेरीफाइड फॉर्मूला है, तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो इसका अगर आंसर इसके अगर ऑप्शंस आए तुम्हारे पास 1:20 तो कैसे पहचानोगे, वो 1:20 ज्यादा दिखा रही है, मैं एक बारी वॉच फिर से बना, हम्म क्या कह रहे हो, मैं वॉच फिर से दोबारा रिपीट करूंगी,
ग्यारह वाला तो मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा, 1140 वाले पे क्या पंगा मैम, मतलब ये हाँ। पूरा ग्रुप करके मैम एक बार मतलब सही से वो बनाइए तो बाकियों को देखो सब एक बार ना सभी ट्राई करो, सारे तो आ रहे हैं आंसर पर 11 वाला नहीं मुझे आ रहा कि 11 वाले में क्या आ गया मैम आप समझ नहीं पा रहे, कैसे आ गया तुम्हारा भाई 11 वाला, देखो 11 59 और ये तुम्हारा 60, 1140 लिख दिया मैंने, 1140 क्या लिखना है, 20 मिनट आ गया आंसर मैम, वॉच बनाइए हाँ वॉच बनाइए, वन कहाँ पे आ रहा है, 1140 है ना मैम, वन नहीं वॉच मैम, वॉच बना बनाइए बोल रहा है, वन कैसे आ सकता है, तुमने क्या लिखा है 12 और इसको क्या बड़ा, इसको बढ़ा दिया क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या 10 आवर्स और भाई ऐसे तो लिख भी नहीं सकते, तुमने क्या किया है वो भेजना भाई, क्या 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 कह रहे हो मेरे 1140 वाला तो मेरे को नहीं आइडिया आ रहा क्या कह रहे हो, वॉच बनाए मुझे भी लग रहा है 1140 में क्लास चली जाएगी तुम्हारे, यहीं पे बन जाएंगे भाई, रहने दो 11 वाला रहने देना मेरे को भी नहीं, अगर मेरे को कुछ समझ में आएगा 11 वाला तो मैं कल देखती हूँ, मुझे भी नहीं पता चल रहा, 9:45 हाँ ये तो सब ठीक है, फिर 1140 मैं एक बार वॉच बनाइए तो मैं बताता हूँ, शिवम रहने दो भैया मैं ठीक है रुको वॉच बनाते हैं भैया, अगर ये कह रहा है तो चलो कर लेते हैं बच्चों को भी, तो मुझे एक बात बताओ ये 20 से तुम 14 क्यों रह जाते हो लास्ट में, ज्यादा पढ़ लेते हो क्या, तो ये वॉच बनाइए नंबर से कैसे, ये रहा 11 ये रहा नंबर 1 ठीक है मैम, ये वाली और ये रहा तुम्हारा होगी ना एक से ऊपर, और ये वाली सुई 4 यस मैम, अरे बिल्कुल 11 पे है ना एकदम बिल्कुल एज इट इज 11 पे है मैम, बिल्कुल ना सो कि मैम 1140 हो चुका है मतलब 12 पे पहुंचने वाली है, अच्छा 1140 हो चुके हैं तो अच्छा वो ऑलरेडी 11 या 12 के बीच में होगी है ना, यस मैम यही तो समझा रहा हूं 12 के पास होगी लगभग, अच्छा वो यहां कहीं होगी ऑलरेडी, Yes, तो वो मिरर तो अच्छा वो इमेज जो बनेगी वो एज इट इज वन पे ना बन के वो वही यहाँ बनेगी, ये गड़बड़ हुई थी, यस मैम ठीक है गॉट इट, तो इसलिए उसने ये बताया कि मिनट 20 पे जाएगी है ना, गॉट इट, देखो हम yes. क्या कर ये मिस्टेक हो रही थी, सही है भाई एकदम बढ़िया आंसर आ रहा है इसने भी, क्या गड़बड़ थी कि ये 11 से 12 के बीच में मिडल रहेगी ठीक है, तो वो इमेज भी 12 से 1 के बीच में दिखाई है, सही है ओके गॉट इट, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा वेरीफाइड फॉर्मूला है, कभी भी किसी भी हालत में यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है तुमने आज का समय करवा दिया 1140 1140, तो अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई है लेटर इन्वर्जन वर्चुअल इमेज एवरीथिंग, तो अगली क्लास में मिलते हैं, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा 1140 कैसे बजे हैं, हेलो बाय 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 मैम, थैंक यू मैम, बाय गुड नाइट मैम, गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन।
बाय मैम, बाय सुरेंद्र, बाय।